चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अभी लेटेस्ट वैकेंसी आया है कोची शिपयार्ड लिमिटेड में, 577 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। और ये जो पोस्ट निकला है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है दोस्तों, कोची में। और इसके लिए आईटीआई और अप्रेंटिस के अलग अलग ट्रेड वाइज है, हम आगे उसका ऑफिशियली पीडीएफ मैंने ओपन किया है। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा पोस्ट है, क्या कैटेगरी है, कितना सैलरी है। और कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिस लिखा है यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सिलेक्ट ऑफ वर्कमैन, एक सेकेंड है दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, सिलेक्ट ऑफ वर्कमैन फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए दोस्तों 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। इसके लिए क्या सैलरी रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं, फिर पता चलेगा, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं उन्होंने क्या किया है। यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ वैकेंसी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पे देखिए कौन सा पहला पोस्ट है दोस्तों, शीट मेटल वर्कर। शीट मेटल वर्कर्स के लिए 88 पोस्ट है दोस्तों, 88 पोस्ट। इसके लिए अदर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, वैसे फॉर्म भरना है। मैं पूरा कैटेगरी नहीं बताऊंगा दोस्तों, खाली पोस्ट बताऊंगा। 88 पोस्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए आईटीआई चाहिए और एनसीबीटी चाहिए, जो शीट मेटल वर्कर के लिए मिनिमम है दोस्तों। नेक्स्ट है वेल्डर। दोस्तों वेल्डर के लिए क्या दिया है, 71 पोस्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया चांस है वेल्डर दोस्तों के लिए। वेल्डर के लिए अच्छा जगह है, ओपन में 33 जगह है दोस्तों, देखो अच्छा जगह है। ओबीसी में 25, एससी में 5, एसटी 1, ईडब्ल्यूएस में 7, बहुत अच्छी दोस्तों जगह है वेल्डर में। जो दोस्तों ने वेल्डर किया है बहुत बढ़िया है दोस्तों, उनके लिए मौका है, उनको भी आईटीआई का सर्टिफिकेट लगने वाला है और एनसीबीटी लगने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल, उसके लिए 30 पोस्ट है दोस्तों, मैकेनिक डीजल के लिए 30 पोस्ट है, उसके लिए भी आईटीआई का सर्टिफिकेट लगने वाला है और एनसीबीटी सर्टिफिकेट लगने वाला है। और दोस्तों ये जो पोस्ट है 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस है, फर्स्ट ईयर में अलग सैलरी है, जो सेकेंड ईयर में अलग सैलरी है और थर्ड ईयर में अलग सैलरी है दोस्तों, ठीक है। हम देखते हैं फिर नेक्स्ट पोस्ट कौन सा है, मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसके लिए 6 पोस्ट है दोस्तों। अरे 6 पोस्ट में आईटीआई एनसीबीटी सेम वैसे ही है दोस्तों, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल का, देना है प्लस अपन आपको एनसीबीटी पास होना चाहिए दोस्तों, अप्रेंटिसशिप जिसे कहते हैं, नेशनल वोकेबली ट्रेड, जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको कंपलसरी चाहिए दोस्तों इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट पोस्ट है फिटर पाइप दोस्तों। फिटर पाइप दोस्तों 21 पोस्ट है दोस्तों, सेम उसका सर्टिफिकेट चाहिए उसका। नेक्स्ट है पेंटर, पेंटर के लिए 13 पोस्ट है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन 63 पोस्ट है दोस्तों। क्रेन ऑपरेटर ईओटी, उसके लिए 19 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। अच्छे पोस्ट है दोस्तों, बढ़िया मौका है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं 3 साल के लिए, बढ़िया स्टेपिंग है, ऐसा नहीं कि सैलरी कम है, आप देख सकते हैं, और ये सबसे बढ़िया मौका है दोस्तों, ठीक है। नीचे आते हैं नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक दोस्तों, 65 पोस्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए दोस्तों, बहुत बढ़िया चांस है बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से है दोस्तों उनके लिए, ठीक है। उनके लिए भी सेम आईटीआई सर्टिफिकेट और एनसीबीटी सर्टिफिकेट चाहिए दोस्तों कंपलसरी, ठीक है। नेक्स्ट है शिपराइट वुड दोस्तों, इसके लिए 15 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ट्रेड के बच्चों के लिए कम पोस्ट है, 11 पोस्ट ही है, पर बढ़िया है, ठीक है दोस्तों, 11 तो ठीक है चल जाएगा। अभी अभी फिलहाल वैकेंसी नहीं आ रही है तो मशीनिस्ट के लिए 11 पोस्ट भी ठीक है दोस्तों, ठीक है। आईटीआई प्लस एनसीबीटी सर्टिफिकेट चाहिए सेम दोस्तों उसके लिए। नेक्स्ट आते हैं ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, वैसे ही सब करता हूँ मैं, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आप ये पूरा पीडीएफ रीड कर सकते हैं दोस्तों, इसका पूरा पीडीएफ चाहिए आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, वेबसाइट है rigastudy.co.in, आपको ये वो वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्म कैसे भरना है, इसका फॉर्म दोस्तों ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन आप जा सकते हैं वेबसाइट पे दोस्तों, ठीक है। आप नीचे पूरा प्रोसेस आपको मिल जाएगा पीडीएफ के माध्यम से। इसके लिए क्या क्या करना है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो टोटल पोस्ट दोस्तों 577 पोस्ट है दोस्तों, ठीक है। नीचे आता हूँ मैं अभी, इसके लिए सब उन्होंने नेम ऑफ पोस्ट दिया है और ये सब दिया है, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बड़ी मेन मेन चीज़ पे आते हैं दोस्तों, रेम्यूनरेशन दोस्तों, मीन्स
स्टाइपेंड अपने को फर्स्ट फर्स्ट ईयर में कितना मिलने वाला है दोस्तों? अपना जो पोस्ट का फॉर पोस्ट का ग्रेड कौन से इसमें आता है, ए से लेके जी तक फर्स्ट ईयर में 23,300 है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 24,000 है, और थर्ड ईयर में 24,800 है दोस्तों। ये अपना स्टाइपेंड है प्लस कंपेनसेशन ऑफ एक्स्ट्रा आवर वर्क, मतलब आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं तो आपको ओवर टाइम का दोस्तों अलग मिलने वाला है। ओवर टाइम का वहाँ पे आगे दिया है 4,900 फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए 5,000, थर्ड ईयर के लिए 5,100, इतना स्टाइपेंड दे रहे दोस्तों ओवर टाइम के लिए, खाली बस ओवर टाइम के लिए, ठीक है। और जो नीचे वाले पोस्ट है सब एस आई सी डी ई एफ, उसके लिए अलग सैलरी है दोस्तों 22,100 रुपये, 22,800 रुपये, 23,400 रुपये दोस्तों, ग्रेड वाइज दिए उन्होंने सैलरी, आप देख सकते हैं दोस्तों नीचे आते हैं। इसके लिए अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वेबसाइट पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए आपको जो कोई भी क्वेरी है, कुछ डाउट है मन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं हर आपका कमेंट का आंसर दे सकता हूँ दोस्तों। आप आपको कुछ भी डिफिकल्टी आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, और नीचे कमेंट में जाके तो मैं आपको पूरा डिटेल में दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।